दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दरअसल आज को मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, थोड़ा सा आवाज शायद अजीब सा साउंड कर रहा होगा, लेकिन चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आजकल का जो भी मॉडर्न जो भी कार्स है ना, उसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर आता है, ठीक है। तो गियर शिफ्ट इंडिकेटर को एक्चुअली कैसे यूज में लाना है जिससे आप बेहतरीन माइलेज पाओ और उसका पीछे लॉजिक क्या है, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अभी मेरा गाड़ी चल रहा था, न्यूट्रल में है, तो फिलहाल कोई भी गाड़ी का इंडिकेटर दिखाने रहा है। अभी आप देखो सामने सिग्नल हो चुका है, ठीक है। आप मीटर की तरफ देखो, मैं आगे भी बढ़ाना शुरू कर दिया हूँ, ठीक है। ये देखो अभी मैं फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में मैं गाड़ी को डाल दिया। अब मेरा आरपीएम का कांटा, और देखो ये अभी जहां 2000 आरपीएम का ऊपर जाता है ना, तो वो बोलता है जब आप गाड़ी को अपशिफ्ट कर दो, मतलब गियर को ऊपर डाल दो। देखो फिर से 2000 में पहुंच गया, फोर्थ गियर दिखा रहा, तो मैं फोर्थ गियर में डाल दिया, ठीक है। तो इसी तरह से वो हमेशा कोशिश करता है गाड़ी जो अपना 1.5 से 2000 आरपीएम के बीच में रखो। जैसे अभी मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, जहां और क्लच दबाओगे ना, वो आपका तुरंत गायब हो जाएगा गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ठीक है। अभी मैं न्यूट्रल में कर दिया, गाड़ी को मैं इस तरह से खड़ा कर दिया, ठीक है। देखो अभी मैं स्टैंड स्टिल हूँ, फिर से जब सिग्नल होगा फिर से मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ध्यान रखना आरपीएम मीटर और गियर शिफ्ट इंडिकेटर के बीच में क्या हो रहा है, वो आप देखते रहना, तभी आपको समझ में आएगा जी एग्जैक्टली कितना गियर में हम लोग, क्योंकि ये सवाल हम लोगों से रहता है। ये मैं सिग्नल हो गया है, ठीक है। अभी मैं देखो गियर शिफ्ट कर दिया फर्स्ट गियर में, गाड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। गियर शिफ्ट देखो अभी देखो दो दिखा रहा, तो मैं दो में शिफ्ट कर लिया। और जहां क्लच दबाओगे तो गियर का जो इंडिकेटर है वो गायब हो जाएगा। देखो अभी भी 2000 आरपीएम, जहां 2000 आरपीएम क्रॉस किया वो दिखा रहा है थर्ड गियर, ठीक है। तो मैं थर्ड गियर में डाल दिया गाड़ी को। अभी मैं थोड़ा सा आगे ब्रेक लगाया हूँ थोड़ा सा, तो देखो अभी थर्ड गियर में दिखा रहा है, क्योंकि आरपीएम 1.5 से 2000 आरपीएम का बीच में ही है, ठीक है। अभी बस फिर से मेरे को रोकना है, तो ये देखो सामने फिर से सिग्नल हो गया, गाड़ी को रोकना है। और देखो ये एक दो मैं जहां क्लच दबाया तो इंडिकेटर फिर से गायब। तो बेस्ट माइलेज के लिए कार भी जो रेकमेंड करता है वो है हमेशा 1.5 से 2000 आरपीएम के बीच में गाड़ी चला। 2000 आरपीएम जहां क्रॉस करेगा तुरंत आप गाड़ी को अपशिफ्ट कर दो। तो ये गियर शिफ्ट इंडिकेटर का बेसिक लॉजिक ही वही होता है, ठीक है। अभी मैं दिखाऊं, ये तो अपशिफ्ट का हो गया, कब डाउनशिफ्ट करने बोलता है, कितना आरपीएम से नीचे कौन सा गियर में रहने से दिखाता है, वो भी मैं दिखाता हूं इसी वीडियो में आपको। तो अभी मैं ये छोटा सा ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ, फ्लाईओवर है, ठीक है। ये क्रॉस करते ही मैं पहले स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, गियर बिना चेंज किए मैं स्पीड को धीरे धीरे करके घटाते रहूंगा, तभी हम देखेंगे जो टिकिया दिखा रहा है कितना आरपीएम में कौन सा गियर में रहने से वो बोलता है। जो डाउनशिफ्ट करो वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि अपशिफ्ट से सब नहीं होगा, इसमें डाउनशिफ्ट का भी दिखाता है। तो मैं पहले थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, बढ़ा के फिर ब्रेक यूज करेंगे, फिर जाके पता चलेगा जी इसका पीछे जो लॉजिक जो है वो क्या देखे रखा है मारुति वालों ने या फिर जो भी गाड़ियां बनाते हैं। तो उन लोग का आइडियल सिचुएशन, क्योंकि वो लोग तो काफी ज्यादा टेस्ट करते हैं, तो हर एक चीज का पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक वो लोग पक्का होगा, तो उसी को आज को ढूंढते हैं। तो दोस्तों देखो अभी ये मेरे को फोर्थ गियर में बोल रहा है जान लेगा, तो मैं ये फोर्थ गियर में मैं डाल दिया, ठीक है। और भी थोड़ा सा स्पीड अभी मैं बढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल जो स्पीड है आप देख सकते हो कितना है। मैं और थोड़ा सा बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। अभी सोच लो फिफ्थ गियर में बोलेगा, तो हाँ देखो अभी ये बोल रहा है फिफ्थ गियर में, तो मैं फिफ्थ गियर में मैं डाल दिया, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, गाड़ी को मैं ब्रेक लगाया क्योंकि आगे सिग्नल है। अभी देखो क्या बोल रहा है वो, देखो फोर्थ गियर में बोल रहा है, देखो कितना आ गया आरपीएम स्पीड, देखो थर्ड गियर बोल रहा है, मैं अभी तक रोका नहीं, ये अभी मेरे को रोकना पड़ेगा नहीं तो गाड़ी बंद हो जाएगा, ठीक है। ये सिग्नल हो गया, मैं फिर से गाड़ी को बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए फिर से बढ़ाया, मैं थर्ड गियर बोला तो थर्ड गियर में डाल दिया, ये देखो फोर्थ गियर बोल रहा है, फोर्थ गियर में भी डाल दिया, अभी फोर्थ गियर ही बता रहा है, तो मैं फोर्थ गियर में जा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ काफी दूर से इसका क्या आउटकम निकल के आता है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ जो अपना जो इंस्टिंक्ट है वो छोड़ के, जो जैसे जो बोले गियर शिफ्ट इंडिकेटर उसी हिसाब से मैं चेंज कर रहा हूँ। अभी जैसे मेरा स्पीड है और जो आरपीएम है वो बता रहा है फोर्थ गियर में रहो भाई, आगे ऊपर उठाने का जरूरत नहीं है, तो मैं भी उसी वही मेंटेन कर रहा हूँ। और आखिर में क्या माइलेज निकल जाएगा वो मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में नहीं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है। देखो फिर से आगे सिग्नल है, मैं रोक रहा हूँ, मैं दबा दिया ब्रेक, देखो थर्ड गियर बता रहा है, अभी भी मैं क्लच नहीं दबाया, देखो सेकंड गियर बोला, अभी मेरे को रोकना पड़ा क्योंकि मैं स्टैंड स्टिल हो गया।
तो ये जहां 1000 RPM से नीचे आपका आ जाता है ना और स्पीड आपका घट रहा है और गियर आपका ऊपर हो तो आपको बोलता है डाउन शिफ्ट करने के लिए, तो ये भी अच्छा चीज है। तो मतलब ज्यादा गियर में भी चलाना अच्छा नहीं है और कम गियर में भी चलाना अच्छा नहीं है, तो आइडियल सिचुएशन जो है वही गियर शिफ्ट इंडिकेटर आपको दिखाता है। तो देखिए फिर अभी 2 सेकंड बोला, मैं थर्ड में डाल दिया, ठीक है अभी जो स्पीड है ये थर्ड में मेरे जाने लायक है, फिर बढ़ता है तो मैं दिखाऊं, देखिए फिर से फोर्थ दिखाना शुरू किया तो मैं फोर्थ में डाल दिया, अभी ऐसा ही चलेगा ठीक है। तो मैं शायद ये जो लॉजिक था उसको क्रैक करने में आपको थोड़ा सा हेल्प मिला होगा इस वीडियो से, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा।